हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मामी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी व्रत के लिए साबूदाना नमकीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि में खा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है बताती हूँ फ्रेंड्स। ये साबूदाना एक बॉल लिया है मैंने, और आधा बॉल लिया है काजू, और आधा बॉल नमकीन मूंगफली है भुनी हुई, और ये आधा बॉल के करीब नारियल है, और नमक है सेंधा नमक है, और ये काली मिर्च है। नारियल को मैंने स्लाइस कर लिया है। तो इन सबको मिला के अभी हम साबूदाना नमकीन बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। और बहुत दिनों से आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मेरे पैर में चोट लग गई थी लेकिन अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसे किस तरह से बनाते हैं बता रही हूँ। ये एक बॉल डाल दिया है मैंने साबूदाना का, और इसे मॉइस्ट रखने के लिए ये 2 छोटे चम्मच के करीब मैं पानी डाल रही हूँ ताकि ये नमी बनी रहे, और सब मिक्स कर देंगे पानी को साबूदाने में, और ढक के रख देंगे करीब 5-7 मिनट के लिए। ढक के रख देंगे जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है गैस पे। ये देखिए साबूदाना थोड़े थोड़े नम हो गए हैं और तेल गरम हो गया है। हाई फ्लेम रखेंगे, गैस को हाई रखेंगे, बिल्कुल भी ठंडा होने नहीं देंगे, एकदम तेज गरम गैस पे अभी हम साबूदाना फ्राई करेंगे। तो ये मैं थोड़ी ही साबूदाने डाल रही हूँ, चलनी लगा ली है मैंने, आप कोई भी स्ट्रेनर लगा सकते हैं। ये देखिए धड़कने की भी आवाज़ आ रही है, थोड़े अपने को सेफ्टी के लिए ढक्कन ढकना पड़ता है, तो इसको ढक के रख दिया मैंने। और जब थोड़े से ये फूल जाएंगे साबूदाने अंदर 1 मिनट में, तो मैं ढक्कन हटा लूँगी। ये देखिए ढक्कन हटा लिया, कितने फूल गए हैं, और ऊपर नीचे इस तरह से हिला लेंगे ताकि ये नीचे वाले ऊपर वाले सब एक तरीके से एक तरह से एक ही हीट में बराबर सिक जाए। और जब ये सिक जाएंगे अच्छी तरह से, तेज गैस है, हाई फ्लेम है मेरी, और हाई से थोड़ी सी मीडियम भी कर लेंगे, और अब फूल गए हैं तो हम इन साबूदाने को निकाल लेंगे। गैस धीरे कर दी है मैंने थोड़ी, और सारा तेल इस तरह से झाड़ लेंगे। तो ये फर्स्ट बैच हो गया है, अब हम सेकंड बैच के साबूदाने फ्राई करेंगे। तो ये बाकी बचे हुए साबूदाने भी मैं स्ट्रेनर में डाल लेती हूँ। आप कोई भी छलनी यूज में ले सकते हैं, अगर आप छलनी नहीं लेते हैं यूज में तो आप झारे के साथ पूरे कढ़ाई में फैला दीजिए साबूदाने को, और झारे से निकाल लीजिए। लेकिन मैं थोड़ी सेफ्टी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा उछलते हैं चटकते हैं तो लग नहीं जाए कहीं गर्मा गर्म अपने, इसलिए इस तरह से ऊपर नीचे कर लेंगे साबूदाने को चम्मच से। और ये साबूदाना नमकीन की रेसिपी बहुत ही एनर्जेटिक है, और इसे अगर आप खा लेंगे एक बार तो सारा दिन आपको वीकनेस नहीं फील होगी, और बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनते हैं, कोई भी व्रत में खा सकते हैं फ्रेंड्स।
और अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, तो आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आऊँगी। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत तो आपको धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये सेकंड बैच के साबूदाना भी हो गए हैं और इनको भी हम थाली में इस तरह से डाल लेंगे। अब मैंने आधे साबूदाने मिक्सिंग बाउल में डाल लिए हैं, क्योंकि हमको जितनी ज़रूरत है हम अभी इतना ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे तो घर में इतने जने भी नहीं हैं, इसलिए मैंने आधे ही डाले हैं, क्योंकि सारा मिक्सर होके फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये मेरे पास काजू हैं, इनको भी फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल धीरे गैस कर ली है, अब बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इनको डार्क कलर का नहीं करना है, बिल्कुल लाइट कलर का करके निकाल लेना है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज में ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, किशमिश कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ काजू लिए हैं और इनको भी मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है मैंने। ये देखिए, और फिर गैस धीरे ही है अभी। फिर स्ट्रेनर को हम कढ़ाई में इस तरह से रख देते हैं। और ये मूंगफली भुनी हुई है, लेकिन मैं एक बार और फ्राई कर रही हूँ, हल्की सी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये भुनी हुई है इसलिए ज़्यादा नहीं करना होगा हमें। अगर आप कच्ची मूंगफली लेते हैं तो एक मिनट तक फ्राई कीजिए। ये भी मैं मिक्सिंग बाउल में डाल देती हूँ। और ये नारियल है, जिसे आप गुलाबी कहते हैं, इसकी मैंने स्लाइसेज बना ली थी, एकदम थिन पतली पतली स्लाइसेज है। बस कुछ सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे और इसे भी हम निकाल लेंगे और मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। और इस नमकीन को आप ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भर के पूरे 9 दिनों तक आप नवरात्रि में इस नमकीन को खा सकते हैं, और एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए आप, तो और भी अच्छा रहेगा। अब इस मिक्सचर में मैं पहले ये काली मिर्च है कुटी हुई वो डाल रही हूँ, और नमक भी डाल रही हूँ। ये सेंधा नमक है व्रत के लिए, और अगर आप नॉर्मल नमक डालते हैं, अगर ऐसे डेली रूटीन में खाना चाहते हैं तो नॉर्मल नमक डाल दीजिए, नहीं तो सेंधा नमक व्रत के लिए। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लाने के लिए पिसी हुई शक्कर डाल रही हूँ मैं, इससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और ये मिक्सचर तो बहुत ही क्रिस्पी है, क्रंची है। अब इसमें मैं थोड़ी सी, ये देखिए आप ड्राई फ्रूट वगैरह आपको दिख रहे हैं सब, और सब एक साथ मैं थोड़ा कैमरे के पास लगे दिखा रही हूँ। बहुत क्रंची मिक्सचर हुआ है, आप इसे कभी भी खा सकते हैं, सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। और इसमें थोड़ी सी मैं मीठे नीम के पत्ते हैं, इनको फ्राई कर लिया था मैंने, इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा। इसको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं हाथ में इस तरह से, ये फ्राई कर लिए थे मैंने हल्के से, तो क्रश करके डाल रही हूँ। तो ये मिक्सचर बहुत अच्छा तैयार हो गया है फ्रेंड्स, साबूदाना नमकीन। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।